सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी चैनल। मैं हाँ वरुण कौर मान। अज है भारत बंद का सद्दा ते साडे किसान जिहड़े ने ओह नारेबाजी कर रहे ने। किसान इत्थे धरना प्रदर्शन हो रहा है, जबकि पूरे भारत बंद का सद्दा है। सानू विदेशों तो भी साथ मिल रहा है। इत्थे कुछ सज्जन हैं जो किसान भरावां दे हक दे विच नारेबाजी कर रहे हैं और पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इत्थे कखी चीज़ देखी है कि आम जनता नू कोई परेशानी का सामना बहुता नहीं करना पै रहा, क्योंकि आम जनता भी अज इन्हां दे नाल है। वीर जी, तुसीं दसो कि तुसीं अज इस धरने नू किद्दां देखदे हो? असीं इस धरने नू जी बहुत वधिया परपक्ख नाल देखदे पए आ कि सानू ये भी पता है कि अज तो वह बैठे है महलों में, तो पर जे बनाए है तो वह लोगों के बनाए उत्थे महलों बैठे है, लोगों के बनाए उत्थे महलों बैठे है। तो जे लोग चाहन तो वह महलों तो सड़कों पर आएंगे, जे लोग सड़कों पर आए हैं तो उन्होंने भी सड़कों पर आना पैना है, तो उन्होंने भी सड़कों पर आना पैना है। जय भीम, जय भारत। सदा कामयाबी उन्होंने पैर चूमे, सदा कामयाबी उन्होंने पैर चूमे। जिस कौम लड़न से मरण का चल पैजे वह मुल पवेगा किसान दी कुर्बानियां दा, भावे अज पैजे तो भावे कल पैजे। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। इट लाले इट खड़का देंगे मोदी दी। सही गल की है कि जरूरी नहीं कि केवल किसान बल्कि हर वर्ग का बंदा जो सीधे नहीं तो असिधे तौर पर किसानों के नाल जुड़िया होया है, इन्हां बिलों नूं रद्द करन दी मंग कर रहा है। विदेशों तो भी सानू साथ मिल रहा है। साडे पिछे कुछ बीबियां बैठिया हुई ने, आओ गलबात करदे उन्हां दे नाल। साडे नाल इत्थे बीबियां भी इकट्ठियां ने, पर एक छोटी जी बच्ची भी है साडे नाल। तुसी पढ़दे हो? हाँ जी। केड़ी क्लास च पढ़दे हो? फिफ्थ। देखो, पंजवीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि इस जिहड़ा धरना है इहदा किन्ना ज़्यादा महत्व है, और बहुत ही शांतिपूर्वक धरने इत्थे दिते जा रहे हैं। मैं बीबियां दे नाल सवाल करना चाहूँगी कि तुसी अज अपने घरां तो उठ के किसानां दे हक च आए हो, कि तुहाडे चों भी कोई किसानी परिवार चों है जां बिना किसानी परिवारां दे भी तुसी हैगे हो? बैठे है सेवावां जिहड़ियां सहूलतां मिलदियां पईआं उह बंद करो, उन्हां दे फोन बंद करो, उन्हां दी इनकमिंग आउटगोइंग जिहड़ा राशन पानी जांदा है उह दुकानां नूं चाहीदे आ कि उन्हां नूं राशन देना बंद करन। इन्हां सरकारां नूं तां पता लगेगा कि घरां दे अंदर बैठ के लोकां ने किद्दां अपने नोटबंदी दे विच या होर लॉकडाउन दे विच किद्दां अपना औखा समां असीं बतीत कीता है। इन्हां दीआं इन्हां नूं जिहड़ियां सहूलतां मिल रही हैं जदों इन्हां तक नहीं पहुँचूंगियां, इन्हां नूं घरों निकलण लई मजबूर होना पएगा, फिर इन्हां नूं साडी तकलीफ दा सामना करना पएगा, फिर ये साडियां दिक्कतां नूं समझ सकणगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਡਾਊਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੋ ਜੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ,
ते फिर उन्होंने सानू वो महंगे भा दे देनी आ। एक कल्ला किसानों का मसला नहीं है, ये सारी मतलब खलकत का मसला आ, छोटे जो ज़्यादा गरीब मरने ये नाल। ते आर एस एस का तो पहले ही 1947 तो एजेंडा सीगा कि गरीब करो, सारे नु गरीब करो ज़्यादा तो ज़्यादा। अज असी किसानों के नाल मोढ़े ना मोढ़ा ला के और मोदी नु चुका के सरकार तो कानून वापस दवावांगे, और जिन्ने चिर तक सरकार कानून वापस नहीं लाएगी उन्ने चिर तक अभी पिछे नहीं हटांगे। और मोदी ने पहला साढ़े एसी भाईचारे को टारगेट किया, फिर मुस्लिम भाईचारे को टारगेट किया, फिर नागरिकता का कानून लेके आया, और बार बार सारे देश जदों दी मोदी सरकार बनी है सारे देश में वक्त पाया आया, और हर रोज़ कोई ना कोई कानून बना के लैके आता, और ना ही किसी भी समाज के हक कोई कानून नहीं लैके आता। और अवानी अडानी लई सिर्फ कानून बना के सारा जिहड़ा देश जिदा हुंदा कि अवानी अडानी नू दे हवाले कर रहा ने। एक क्रांति जिहड़ी आम लोगों के विच देखण नू मिली है, यकीनन तां मतलब हले तक यही कह सकते हैं कि यकीनन की कहीए, खुद भी सोचण च पै जांदे हां क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा। तो अज हो सकता है कि ये जिहड़ी क्रांति आई है उस दे नाल थोड़ी बहुती ठल पवे उन्हां नू, और वह भी सोचण कि जिहड़े किसान इन्ने दिनों तो ठंडिया रातों च उत्थे रह रहे ने उन्होंने हक च अज नहीं तो कल जरूर बयान देन। तुसीं बने रहो पंजाब मेल यूएसए टीवी चैनल दे नाल। सत्कारयोग अज दे इस बंद की अगवाई करते आगू साहिबान ते होर मेरे वीरो भैनों, आ जो पंगा मोदी सरकार ने पाया है ये कल्ले किसानां लई नहीं, ये आम पब्लिक लई है, ये सारा ही सारी पब्लिक जिहड़ी आ इस तों दुखी है। मोदी सरकार असल दे विच ये सोचती है, मोदी मंडली कह लईए, मोदी मंडली ये सोचती है कि साडे तों सवाए होर किसे नूं अकल ही नहीं। उन्हां दी जिहड़ी ऐनक है ना, वो दूजे लोग उन्हां नूं दुश्मन ही दिसदे है। मैं इस स्टेज तों अपील करूँगा मोदी मंडली नूं कि वो ऐनक ला के आम पब्लिक की गल सुन। पब्लिक देखो 3 महीने हो गए, पहला इत्थे पंजाब दे विच जां हरियाणे दे विच इह संघर्ष छिड़िया, मोदी सरकार नूं अकल नहीं आई, समझी नहीं, उन्हें गल ही नहीं समझी जां सुनी नहीं। हुण जदों पूरे देश दे विच इह संघर्ष फैल गया ते हुण माड़ा माड़ा समझण लगे है, कोई ज़्यादा नहीं, हजे भी उन्होंने दिमाग च यह है कि असी इस संघर्ष नूं फेल कर देंगे। वो इस तरह सोचते हैं कि छोटे छोटिया जथेबंदियां जिहड़ियां उन्हां दे नाल संबंधित है जिहड़ियां मजबूरन इस संघर्ष दे विच इस वेले शामिल ने, उन्हां तों थोड़े थोड़े बयान दवा के उन्हां नूं एस्टैबलिश करके उन्हां दा इदां प्रभाव बनाउणगे कि सरकार दे खिलाफ जिहड़ा खिलाफ सीगा ना संघर्ष उस सरकार दे हक दे विच भुगत रहा, वो इस तरह संघर्ष नूं फेल करन दी कोशिश कर रहे आ। मैं ये कहना कि मोदी सरकार नूं हुण भी समझ आ जानी चाहीदी आ, ये जिहड़े कारपोरेट मॉडल नूं इत्थे स्थापित करना चाहुंदे आ वो कारपोरेट मॉडल की है, वो लोकां दीआं जेबां कट्टण नूं तैयार बैठे आ। देखो अडानी अवानी की जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो 100 गुणा तो भी ज़्यादा बढ़ गई, 1000 गुणा बढ़ गई, और कोई मेरा ख्याल कोई बंदा इहो जिहा नहीं होना जिहदी कोई आमदन इन्नी वधी होगी, सगों घटी है। मजदूरां दे रुजगार खुस गए और दुकानदार फैक्ट्रियां वाले सब रोंदे है, जिथे ने नोटबंदी कीती GST लियांदी और कोई भी इन्हें काम कीते आ वह कहिंदा वी मैनू अकल ही बहुत आ, और वह इदां हिंदू राष्ट्र बनाउणा चाहुंदा है, हिंदू राष्ट्र इत्थे बनना नहीं, क्योंकि मैं समझदा कि हिंदुस्तान नहीं इह, ये भारत है, इनू भारत बनाउणा है, कोई इत्थे खालिस्तान कही जावे कोई हिंदुस्तान कही जावे जिहड़ा को उठदा कोई होर कोई नाम रख लैंदा, इहदा नाम भारत है, इस देश का वह भारत ही रहना चाहिए और भारत को ही डिवेलप करना चाहिए। तो सानू सारिआं नू जिहड़े इदां दीआं गल्लां सोचदे आ
पाटो धाड़ वालियां उन्हां नूं भी समझाउणा चाहीदा कि असीं भारत देश दे वासी हैं और जिहड़ा संविधान साडे डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखिया है उस संविधान नूं इन्हां ने तहश नहश करके रखता, उस संविधान नूं संविधान ही नहीं रहण दिता, उहदे विच इन्नियां क अमेंडमेंट करतियां। सो आपां नूं अपनी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है, दलित क्लास की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि आप इस संविधान की राखी करिए और भारत देश नूं भारत ही बनिया रहन दईए। इहदे लई आपां नूं जो भी कुर्बानी करनी पवे अगे आना चाहिए। अज किसान भी इस गल नूं समझण लग पए आ, उन्हां दीआं स्टेजां तों भी डॉक्टर अंबेडकर नूं याद किया जा रहा है। सो मैं समझदा कि डॉक्टर अंबेडकर की सोच के मुताबिक भारत नूं डिवेलप करना चाहिए। धन्यवाद। साढ़े नाल इत्थे एक बजुर्ग सिंह हन, उन्होंने गलबात करते हैं अज के धरनिया नूं लैके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अही किसान संघर्ष में हाजिर होए हाँ जो कि अपना हक लैण वास्ते मोदी सरकार जो धक्के कर रही है वह धक्का नहीं चलेगा। दो बार अगे दिल्ली फतेह की, तीजी बार फिर फतेह होगी। 14,000 सिंह शहीद होया सी एक दिन विच, वो समा अज भी नेड़े नेड़े आ रहा। जो मर्जी हो जाए फतेह करके दिल्ली छड़ांगे। मोदी को जिहड़ा जतन लगता वह ला सकता वा, जो मर्जी जतन कर ले। सो सिख फौज हर भाईचारा साढ़े नाल है, बच्चा बच्चा। इस करके असी इस संघर्ष में आए हाँ, बढ़ चढ़ के दुनिया हिस्सा लै रही आ। गुरु की फौजा लाडलियाँ 40 ट्रक कल घोड़िया के पहुँच गए हैं। उत्थे लंगरा वास्ते हर एक चीज़ वास्ते फौजा चढ़िया, जड़िया पुरातन फौजा जड़िया सन वो अज भी चढ़िया हैं। फिर दिल्ली से दिल्ली की बन जाऊगी बिल्ली खालसे का ये लफ्ज है। गुरु के प्यारो साहब किसी ने दिल नहीं छड़ना, तगड़े हो गए मोर्चा ये जितना आप जितया जाना वा। सरकार की नींद हराम हुई आ। इंदिरा कहती सी मैं एक फुलका खानी आ, अगे छे खाती सी। मोदी के मूँह में एक बुरकी भी नहीं जाऊगी, यह जहा समा आएगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जेडे साडे किसान भरा इन्नी ठंड के दिल्ली की सड़कों के उत्ते लम्मे पे है, मोदी सरकार नूं कोई भी कोई असर नहीं हो रहा। असी मोदी सरकार नूं यह दसना चाहना, मोदी सरकार RSS नूं यह कहना चाहते हैं कि असी उस गुरु के बच्चे आ जिन्हें 1.25 लाख लड़ाता सीगा। जे मोदी सरकार अपनी यह नीतियों तो बाज नहीं आया तो जोड़ा साडा संघर्ष आ दिन ब दिन जोर फड़ूगा। बाकी मैं दोबारा जिनी भी इतने संगत जिन्हें भी मेरे सीनियर बैठे आ सारे दोबारा धन्यवाद करदा कि अपना कीमती समा कट के अज इस संघर्ष के शामिल होए आ। तो मैं ज़्यादा समा ना लेंदा हो इतने समा तो खर्च कर। दलित भाईचारे के लोग साढ़े हक च साढ़े किसान के हक च जड़े ने धरने दे रहे हैं, तो साढ़े नाल कुछ बच्चे भी ने और उधर भी तुसी देख सकते हो कि पंडाल में बहुत बड़े पद्धर के उत्ते जड़ा धरना दिता जा रहा है। ये कह दिता गया कि जिहड़ी पंजाब की जवानी है वह नशियां च रुल गई, पंजाब दे मुंडिया तो हुण कुछ नहीं हुंदा, उन्हां नूं उन्हां दे उत्ते जिहड़ा नशिया दा तब्बा ला दित्ता सीगा। ते ए वाले धरनिया ने ए वाली आवाज़ जिहड़ी पूरे देश दे विच उठी है पंजाब दे मुंडिया दा, पंजाब दे नौजवान कुड़ियां मुंडिया दा, जिहड़ा एक वारी फिर तो ओह शालीनता वाला भरिया चेहरा सारिआं दे सामणे लिआ के रख दित्ता। देखो मैडम, इदा की कोई गल नहीं कि पंजाब का जो यूथ है नशे से लग्या होया वा। हाँ ये प्रॉब्लम हैगी जरूर है नशे की, पर इदा नहीं कि नशा खत्म नहीं हो सकता। बाकी मैं सबनों ये दसना चाहना कि जो जो भी पंजाब से कोई भी मुसीबत आई है असी सारा ही समाज इकट्ठा हो के उस मुसीबत का सामना किया वा। बाकी जे पंजाब की नौजवानी की गल करिए तो पंजाब का जिन्ना भी यूथ है वो अपने किसान भरावों के नाल खड़ा वा तो हमेशा ही खड़ा रहेगा। जो बड़े ही सौ निहाल, मैं मोदी सरकार नूं ये दसना चाहना कि काफ़ी दिनों तो साडा जिहड़ा किसान आ वो सड़कां ते बैठा वा इन्नी ठंड दे विच, मोदी दे जिहड़े कि कन्न ते जूं नहीं सिरक रही। मोदी नूं सरकार नूं सी ये दसना चाहते हैं कि जे ये अंदोलन जोर फट गया तो इहनूं कोई रोक नहीं पाऊगा। तो जिद्दां भी हुंदा वा जो काला कानून साडे किसान भरावां दे जबरदस्ती मत्थे मढ़िया गया वा उहनूं रद्द करे, नहीं तो पूरे का पूरा जिहड़ा पंजाब आ चाहे असी किसी भी समाज के नाल हाँ असी अपने किसान भरावों के नाल हर टाइम हर वेले हमेशा ही खड़े हैं। तुसी कुछ कहना चाहते हो?
मैं दसना चाहुंदा कि राती जथेदार मोरा वाली जी उन्हां दे अख दे विचों हंझू डिग गया और उन्हां दा एक एक हंझू साडे लई जिहड़ा मोतियां नालों भी कीमती आ। और मैं दिल्ली तक यह मैसेज पहुंचाना चाहुंदा कि जे असीं दिल्ली नहीं जा सके ना तो राती कहिंदे सके कि कबीर महाराज दे पुत्तर कबीर पंथी साडे नाल आउण, रविदास महाराज नूं मनण वाले साडे नाल आउण। अज गुरु रविदास दे पुत्तर भी और कबीर महाराज नूं मनण वाले उन्हां दे पुत्तर भी, असी पूरे किसान जिहड़ी जथेबंदियां हैगियां उन्हां दे नाल खड़े हाँ, किसानां दे नाल खड़े हाँ। और जथेदार जी तुहानूं किसे गल दी घबराउण दी लोड़ नहीं, असी वो लोग हाँ, असी मोदे दीआं जिहड़ीआं जड़ां पुट के असी जिहड़ीआं इहो सूरज वल नूं कर देवांगे, सूरज वल नूं कर देवांगे ते किसे गल दी घबराउण दी लोड़ नहीं हैगी। असी RSS मनुवाद सरकार दे खिलाफ असी तुहाडे नाल मोढ़ां नाल मोढ़ा लौ के खड़े हाँ, असी इस सरकार दी इट नाल इट खड़का देंगे। जय भीम जय भारत। सरकार दे कन्नां ते जूं नहीं सिरक रही और नौजवानां च बणदा जोश देखण नूं मिल रहा है। तुहाडे चो कोई बंदा जिहड़ा कोई अपना संदेश सरकार तक पहुंचाउणा चाहुंदा होवे पंजाब मेल USA TV चैनल दे जरिए, किसे दे दिल दे विच कोई भी गल होवे ओह खुले तरीके ते साडे चैनल दे जरिए मैं सत श्री अकाल आखदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੋ ਇੰਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਤ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੱਟ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਵਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਵਾ। ਸੇਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ 2% ਆ, ਉਹ 2% ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 85% ਆ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਫੜੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਊਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਮਾਸਾ ਜੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20ਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 80 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਫਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਣੀ ਮੈਂ ਆ, ਖਰੀਦਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
बिल्कुल जी, जिस तरह की भी उत्थे मदद की लोड़ पेगी वह मदद असी पहुँचावे। जे साड़ी भी उत्थे जाण की लोड़ पई टन बाय टन असी भी जावे, ऐसी कोई गल नहीं। वह अंदोलन चल रहा है, जिथे भी उत्थे किसी भी किस्म की लोड़ पई तो असी हाजिर हाँ। बहुत शुक्रिया तुसी साडे नाल गलबात कीती। तुसी कोई संदेश देना चाहते हो? देखो मैं तो संदेश की देना, मैं तो सरकार दे के बेनती कर सकदा हां भी कृपा करके तुसी हर एक दे अधिकार दा सोचो। सिर्फ दो चार घरानियां नूं, सिर्फ दो चार घरानियां नूं तां उहनां नूं छड्ड के पूरे देश बारे सोचो। 125 करोड़ की आबादी है, तुसी उहनां दे बारे फैसला करो। देखो सर, असी सारे ने सारे तैनू चुनिया आ, तो सिर्फ अज दो चार घराने के बारे सोच रहे, बहुत वधिया गल नहीं। इस करके बेनती है किसानों की जिहड़ियां मंगां आ उहनां नूं मन्नो। ये नहीं हो सकता भी तुसी भला करना चाहते तो सारे किसान अनपढ़ ही नहीं है। अच्छ पढ़े लिखे आ, सारा देश अनपढ़ नहीं है, पढ़िया लिखा वो की सही आ की गलत है वह सोच सकता, विचार सकता। इस करके इसी कमरे के बह के फैसले ना करो, दुनिया के आओ, पब्लिक के आओ, किसानों के आओ, तो जाके फैसला करो। यही बेनती जी। बहुत शुक्रिया जी साढ़े नाल गलबात करने के लिए। तुम देख रहे हो पंजाब मेल USA TV चैनल। अज पंजाब का बहुत वधिया मीडिया, और मैं इन्होंने दसना चाहना कि मैं आल इंडिया रंगरेटा दल पंजाब का जिले का प्रेजेंट हूँ, और पूरे पंजाब के रंगरेटा दल आल इंडिया और किसानों की सपोर्ट दे विच किसानों के नाल हमेशा ही खड़ा, और आज पूरी की पूरी सपोर्ट जिले पंजाब दे विचों और जिले के किसानों के नाल असी खड़े हाँ, और किसानों नूं पूरी सपोर्ट दे दित्ती आ, और जिथे भी किसानों की जरूरत होगी असी उत्थे किसानों के नाल खड़े हों, और बाबा साहब अंबेडकर दे फाउंडेशन वालों भी असी पूरी सपोर्ट दे दित्ती आ। इहो ही कहना, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला तैयार बर तैयार है, जो कि कुछ ही पलों के इस साड़ दिता जाएगा, और पूरी तरह साड़न की तैयारी के नौजवान पहुँच चुके हैं। आओ तुम दिखाने अगला दृश्य। किसान दे विरोध काम कर रही है, जे किसान जिंदा आ तो असी सारे जिंदा आ, तो इस करके असी इसका पूर्ण तौर पर किसान जिहड़ी जथेबंदी आ उन्हां दा समर्थन करते हैं, तो वो विरोध के BJP सरकार के इस विरोध के मोदी का अमित शाह का यह पूरी जिहड़ी विचारधारा आ उहदा खंडन करते हैं, तो उहदा विरोध। पवन कुमार जी ने जो कि कौंसलर ने, उन्हां दे नाल हुण आपां गलबात करनी है। अज इस धरना प्रदर्शन नूं लैके असीं पुतला देख रहे हैं, इहदे पिछे भी इक फोटो लगी है। हां जी, अमित शाह दी जी है। मतलब पिछ पिट पिछों की काम होंगे वो दिखाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिहाइंड द कर्टन है, मोदी शाह काम करता पाया, क्योंकि जो चेहरा है वह इस वेले मोदी सरकार दे विच मोदी का ही है। मीटिंगां दे जिहड़े लारे लाई जांदे हुण आने वाली मीटिंग तुहानूं लगता है कि कोई हल निकलूगा? देखो जिन्ना देर तो चलता पाया इन्हां दे लारे लगी जाते पे आ, असीं सानूं उम्मीद आ कि जिहड़ा ये दबाव आ अज का जो 8 तरीक का धरना प्रदर्शन आ ये पूरे हिंदुस्तान दे विच हो रहा है। पहला ये जिहड़ी लहर चली सी ये पूरे पंजाब तो चली सी, पंजाब तो उठ के ये सारे हिंदुस्तान दे विच ये लहर ने जिहड़ा जोर फड़िया आ, क्योंकि जे अन्नदाता ही नहीं सुखी, जिहड़ा अज दी देखो तुसीं देखो लगभग 60% के करीब है जो हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा अनाज आ वह पंजाब तो सप्लाई हो रहा है। जे पंजाब दे विच किसान नहीं है सुरक्षित अपने आप नूं महसूस कर रहा, तो मैं समझदा किसान ते मजदूर दोनों एक दूजे के पैरोकार ने, एक दूजे के नाल रल के चलते बन। जे किसान नूं नहीं रोटी मिलेगी तो मजदूर नूं कित्थों मिलेगी? इस करके असी जिहड़ा किसान ते मजदूर दे जिहड़े वास्ते आ, खाली कर दो रास्ते दा जिहड़ा नारा ला के अज असी इत्थों तुरे हाँ, तो इत्थे गुरु रविदास चौंक दे विच मोदी का जिहड़ा पुतला आ इहनूं फूकांगे। नैशनल मीडिया कह रहा सीगा कि जिहड़े किसान है वह बहुते पढ़े लिखे नहीं हुंदे, उन्हां नूं पता नहीं हुंदा कि कानून उन्हां दे हक च हैगे जां विरोध विच, ते इदां बहुत सारे बयान गलत जिहड़े ने नैशनल मीडिया वल्लों दित्ते जा रहे आ, ते नैशनल मीडिया हले भी गोदी मीडिया बणिया बैठा। जे गोदी मीडिया करके ही तो इन्ने दिन निकल गए, जे गोदी मीडिया ना करता ये साडी जिहड़ी लहर आ जिहड़ी साडी प्रोटेस्ट आ। देखो क्यों नहीं पढ़े लिखे मुंडे साडे उत्थे इन्ने पढ़े लिखे जिहड़े किसान यूनियन दे आ, वह तर्क दे रहे अपना, वह तर्क दे नाल ही एक मिनट साथियो, जिहड़ा तर्क आ जे तर्क वितर्क होया आ तो पहले तो यह झुकन नूं तैयार सीगे, हुण अज कहिंदे आ वी असीं अमेंडमेंटा करन नूं तैयार आ, तो मैं समझदा आ वी इह किसान दी जिहड़ी आ उहनां दी जित आ, उहनां दी जिहड़ी प्रैक्टिकल आ, प्रैक्टिकल ते एजुकेशन दे बहुत विच फर्क हुंदा आ, क्योंकि किसान खेतां दे विच जाके कम करदा आ। जे प्रैक्टिकल आ ते अज जिहड़ी मोदी सरकार आ उह झुकी आ, ते मैं कहिंदा उहनां दे तर्क ते उहनां दे अगे झुकी आ, उहनां दी जिहड़ी आ सोच दे अगे झुकी आ,
तो फिर मैं समझना जे एक समय कहते हैं भी असं 90% या 95% कानून च सोध करते हैं तो 5% रख के फायदा की आ एक जो किसान के विरोधी कानून है इन्हों पूरे तौर पर रद्द होना चाहिए है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत वधिया लगा तुहाडे नाल गलबात करके। ये सन पवन कुमार जी जो कि इतों के कौंसलर ने और धरना प्रदर्शन जारी है और शाम 3-4 बजे तक धरना प्रदर्शन किसान जो दिल्ली धरने ते जा रहे हैं और तुसी जोश भी बरकरार देख सकते हो और रौनक भी देख सकते हो। आप बापू जी नूं पुछदे आ, बापू जी दिल्ली चले हैं? हाँ जी हाँ जी। बोलो जलंधर दे विच चले जी हल्ले आज फिर ट्रैक्टर ते रैली दिल्ली दी जगह जलंधर जी। हाँ जी हाँ जी ट्रैक्टर ते रैली आ भी एक किसान वीर ने आज जलंधर से ट्रैक्टर मार्च। हाँ जी आज जलंधर से ट्रैक्टर मार्च कर। हाँ जी ट्रैक्टर जलंधर च कर रहे जी मार्च। आज किथे किथे घुमाने ट्रैक्टर फिर सारे जलंधर च घुमावांगे जी। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਈਡੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 6-7 ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੰਨਣ ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ? ਅਸੀਂ ਪੀਏਪੀ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੀਏਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਸਕੋ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸੇ ਚਾਹੇ ਸਾਲਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲਈ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪ ਕਿਸ ਕੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ चिंगारी ये बारूद बनेगी ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि लोग सड़क पे आए ये रुकने वाली नहीं है। 6 महीने बंद कर सकते हैं तो अपनी जान और अपनी माल के लिए तो 6 महीने ही बंद कर सकते हैं जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हिंदुस्तान का हर नागरिक सड़क पे है। देश में लॉकडाउन चल रहा है इतनी अर्थव्यवस्था इतनी नीचे आ गई अब क्या जरूरत थी ऐसा कानून लड़ने की? अब ये कानून लेके आए हैं देश और नीचे जाएगा यहाँ पे दंगे फसाद पता नहीं क्या क्या होगा ये काला कानून वापस करे सरकार ये कानून सही नहीं है। सब कुछ बेच के खा लिया सरकार ने सारा कुछ बेच रही है ये किस स्थिति में ले जा रही देश को आज इसने बेड़ा कर करके रख दिया सरकार ने। इस सरकार को सबको चाहिए इसे उखाड़ कर फेंके और इस काले कानून को वापस ले और इसे चाहिए कि किसानों के हक में दे लेकिन अगर किसानों के हक में नहीं देंगे तो इसे बिल्कुल ये जारी रहेगा प्रदर्शन जगह जगह से हर मुर्गे पूरे हिंदुस्तान से किसानों कोरोना की महामारी इलेक्शन आया। हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि मुल्क का किसान सड़कों पर है 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं मोदी जी ने पूरे मुल्क को तो बेच ही लिया सारे सरमायादारों के लिए वो काम कर रहे हैं अब वो चले हैं हमारे हिंदुस्तान के किसानों की ज़मीनें बेचने के लिए हम लोग मिट जाएंगे लेकिन मोदी सरकार की इस काले कानून को पास होने नहीं देंगे। हमारा किसान संगठन के लोग दिल्ली पे डटे हुए हैं और हम लोग उनकी ताकत बनेंगे आज इस बात के लिए हम लोग सड़कों पे निकले हैं कि मोदी सरकार तुम्हारा ये कानून हम चलने नहीं देंगे आवाम ने समझ चुके हैं तुम्हारी पॉलिसी को और वो अब तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। तूने मुल्क के लोगों के लिए यहाँ के आवाम के लिए आज तक कभी यूनिवर्सिटी नहीं खोला
यहाँ के लिए कोई रोजगार पैदा नहीं किया, उनके 10 साल के सरकार को हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी बता दे कि एजुकेशन के ऊपर कभी ताक किया हो, बस वो सोना गिरवी रख दिया, रेलवे बेच दिया, अब किसानों की जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। पूरा यूनिटी, किसान यूनिटी एक तरफ है, कोई कितने बड़े लोग भी एक तरफ हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है मोदी जी ने ये जो काम किया है। मान लीजिए दो लड़का लड़की है, मियां बीवी शादी करवाना चाहते हैं मोदी जी, जिन जो राजी नहीं हो रहे हैं शादी करने के लिए, आप जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, ये रिश्ता था चलने वाला नहीं है, तो आप जिनके लिए कर रहे हैं उनसे तो पूछे वो क्या चाहते हैं, आप करे जा रहे हैं, आप फीडबैक ले नहीं रहे लोगों का। GST ने सबको रोल के रख दिया, आज किसान ने वो बुरा हाल कर दिया है कि सारे देख लो अब सारी जनता एक साथ हो रखी है। तुसी देख रहे हो पंजाब मेल USA TV चैनल ते, मैम तुसी आज धरना अंदोलन च शामिल हो रहे हो, ओदा भी बीबियां दा जेड़ा बहुत साथ मिल रहा है किसान अंदोलन धरने नू, ते आज मुस्लिम भाईचारे दियां बीबियां भी साडे नाल। हां जी, बीबियां भी साथ है, जो किसान भाई है उनके साथ बीबियां भी है और मुस्लिम भाईचारा भी साथ है, क्योंकि यही किसान भाई थे जो हमारा साथ दिया है। आज मुसलमान कभी अपना कौल वापस नहीं करता, जो इंसान उसके साथ चलता है उसके साथ मरते वक्त कंधा से कंधा मिला के मुसलमान भाईचारा मुसलमान बहन चलेगी, क्योंकि किसान भाई हमारे 2-3 महीने से इतना परेशान है। ये मोदी सरकार कहती थी सबका साथ और सबका विकास, ये गलत बोलती थी, ये सिर्फ जुमलाबाजी करती थी। आज अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो आज हमारे किसान भाई सड़क पे नहीं होते हैं। जिस समाज की ताकत से आप ऊपर बैठे हैं ना, जिस डाल पे उस जड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं समझा देना चाहती हूँ मोदी साहब, अब भी वक्त है, बदल जाइए, ये तीनों कानून वापस कर दीजिए, नहीं तो आप मिट्टी में मिल जाइएगा। अगर जड़ को काटने की कोशिश कीजिएगा खुद ब खुद गिर जाइएगा, खुदा बनने की कोशिश मत कीजिए, खुदा से बराबरी नहीं कर सकते। जब अल्लाह की लाठी जब चलती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती है, वो बे आवाज़ होती है। हम तक साथ रहेंगे किसान भाई के कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाती, हम तक मोटा से मोटा मिला के साथ खड़े रहेंगे। पूरे देश में आज किसान धरना दे रहे हैं, आज सरकार जो चाहती है कि हम कमज़ोर बना दे किसानों को, ये गलत सोच है। आप जो कहते हैं कि किसान को किसी ने बहकाया है, किसान पढ़े लिखे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें कोई नहीं बहका सकता, उनके अंदर अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत दी है कि वो आज धरती का सीना चीर के फसल पैदा करते हैं। आप जो जिंदा है ना मोदी साहब, आज उन्हीं के अन्न की वजह से, आज अगर आपके अंदर अन्न ना हो तो आप जिंदा भी नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करता हाँ अल्लाह ताला के नाते जो बहुत मेहरबान है अंतिम रहम फरमाने वाला है। मैं मोदी सरकार में यही अपील करना चाहता कि दे बादशाह हो, ठीक है, पर किसानों ना तंग करो, पहले तुम मुसलमानों को तंग किया हूँ तुम किसानों दे, कल तुम हरेक जात में दबोगे। इस देश के बच्चे अमीर तो अमीर भी बैठे आ पर गरीब तो गरीब ही बैठे आ, पर हमेशा गरीबों का साथ दो, सरकार हमेशा गरीबों की बनती है। मोदी साहब हाथ जोड़ के अपील है जी ते अगे कि किसानों ना तंग करो, जे किसान ही ना रहा पंजाब में तो फिर कितने जाएंगे, ये गरीब जनता कितने जाएगी, सब भुखी मरेगी। ट्राली दे पिछे पुतला बनया, हाँ जी जी दिखा दिए अपने दर्शकों।